हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहली चीज होगी कि अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसके साथ ही उनका फॉर्मेट और उनका साइज क्या होना चाहिए। और जो हमारा आज का सेकेंड पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट तैयार करना है, यानी कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और उसके बाद अगर वो ओवरसाइज हो जाते हैं तो आपको कैसे उनको रिसाइज करना है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के टाइम पे। तो सबसे पहले तो आपके पास एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और जो उस फोटो का साइज होगा ना ही वो 10 KB से कम होना चाहिए और ना ही वो 100 KB से ज्यादा होना चाहिए। और आपको आपकी फोटो और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे स्कैन करने और कैसे उनका साइज करना है तैयार, वो मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बता दूंगा। पर उससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जो फोटो के फॉर्मेट के बारे में बात की जाए तो ये JPG या JPEG में होना चाहिए। इसमें आपको एक बात पे ध्यान देना है कि जो फोटो और जो सिग्नेचर है वो PDF फॉर्म में अपलोड नहीं होगा और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है इसके अलावा वो आप सभी PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। बस आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है और सिग्नेचर का भी बिल्कुल सेम है, जो इसका साइज होगा 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया है, JPG में होंगे दोनों। और ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये दोनों के मैं आपको मिक्स बताऊंगा, यानी कि मैं इसमें आपको बैचलर डिग्री के बताऊंगा और मास्टर डिग्री के भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ ना अभी, ये है सिर्फ बैचलर डिग्री के लिए। तो इसमें आपके पास एक आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक यानी कि 10th आपकी, और उसका जो साइज होगा वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये आप PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। और इसे हम PDF फॉर्म में ही अपलोड करेंगे क्योंकि PDF फॉर्म में इसकी ना क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है। और उसके बाद जो आपकी 12th की मार्कशीट होगी या फिर सर्टिफिकेट, उसका साइज भी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए और इसे भी हम PDF फॉर्म में ही अपलोड करेंगे। वैसे तो इसको JPG और JPEG दोनों में कर सकते हैं पर PDF में ही करेंगे। तो ये मैंने जो आपको लिस्ट बताई है डॉक्यूमेंट्स की, इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आप किसी भी बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। बट इसमें एक चीज मिस है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। और जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसका साइज भी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इग्नू की तरफ से इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इग्नू की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री में ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको अभी तक इन प्रोग्राम्स के बारे में नहीं पता तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसमें उन सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है जो इग्नू की तरफ से आप फ्री में कर सकते हैं। पर इसके लिए दो शर्तें होती हैं, पहली कि आपके पास SC या ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए और दूसरी होती है कि जो आपकी पारिवारिक आय है यानी जो आपकी फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और उसके लिए आपको जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा और जो उसका साइज होगा वो भी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। और अब बात करते हैं जो भी स्टूडेंट किसी भी मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बाकी तो जितने डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने सेम ही है, बस उनके दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, उनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो पहला है उसमें तो जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी वो आपको अपलोड करनी है और उसका साइज भी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। और आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ ही अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी अपलोड करनी होगी। पर अगर आपको अभी तक अपने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी जगह आप अपनी जो ग्रेजुएशन की प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हो और जो उसका साइज होगा वो भी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये वो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन के टाइम पे अपलोड करने हैं। और इसके अलावा आप किसी भी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जहां आपको कोई भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। उसके लिए यहां पे अदर के ऑप्शन दिए हुए हैं, पर इसमें से जो एक अदर का ऑप्शन है वो हमें भी यूज करना है। और यहां पे हम क्या अपलोड करेंगे, यहां पे हम अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक आधार कार्ड का PDF बना के वो भी आप यहां पे अपलोड करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे हम सारे के सारे यहां पे PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे ताकि जो भी उसकी क्वालिटी वो खराब ना हो, कोई भी कितना भी जूम करके देखे वो उसकी पिक्सल फटे ना। तो बस ये टोटल इतने ही डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन के टाइम पे अपलोड करने हैं। तो अब स्टार्ट होता है वीडियो का सेकंड पार्ट, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे स्कैन करने हैं और कैसे इनका PDF बनाना है और कैसे रिसाइज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके फोन में प्ले स्टोर होगा आपको वो ओपन करना है और जो आपके प्ले स्टोर में ऊपर सर्च बार है उसमें आपको सर्च करना है अडोब स्कैन। तो जब आप उसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ये वाला ऐप आएगा और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने तो इसे पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आप ओपन लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। तो जब आप इसे इंस्टॉल करोगे उसके बाद जब आप इसे ओपन करोगे ना तो ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो उसके लिए आपको 3 ऑप्शन देगा, फेसबुक, गूगल, आप किसी भी माध्यम से इसमें साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, इसी मोड में आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करना है
जैसे कि मैंने ये 12th की मार्कशीट स्कैन की है, हालांकि मैंने इसको पलटा हुआ है ताकि इसकी डिटेल शो ना हो, पर आपको इसका जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट का बैक साइड स्कैन नहीं करना, आपको सिर्फ फ्रंट साइड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर कहीं से भी इसके कॉर्नर अच्छे से क्रॉप नहीं हुए तो। और उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर में आना है और यहाँ पे जो पिक दी हुई है इसका रीनेम करना है। रीनेम में आप इसमें लिख लेना, अगर 12th की मार्कशीट है तो 12th मार्कशीट, और जो भी डॉक्यूमेंट का नाम है ना वो आप यहाँ पे उसमें लिख लेना। उसके बाद जो ऊपर आपको सेव PDF नज़र आ रहा होगा उस पर क्लिक करना है, और जो फोटो सिग्नेचर है वो भी आपको सेम ऐसे ही स्कैन करनी है। बस उसमें फ़र्क क्या होगा एक, कि लास्ट में जब आप इसे सेव PDF में करोगे तो PDF तो सेव हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा JPEG का, आपको इस पर क्लिक करना है, पर उसी केस में करना है जब आप फोटो सिग्नेचर करोगे उसी में बस, बाकी तो हमें सब PDF फॉर्म में चाहिए। तो इस प्रकार आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेने हैं। और अब बात करते हैं जो भी फोटो और सिग्नेचर अगर ओवरसाइज हो जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए भी आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और वहाँ पे आपको सर्च करना होगा क्यू रिड्यूस लाइट, और आपके सामने ये वाला ऐप आएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करना है और उसमें आपको नजर आ रहा होगा चूज फोटो, आपको चूज फोटो पे क्लिक करना है। तो जहाँ भी आपकी फाइल है यानी कि वो फोटो है वो आपको सर्च करनी है और उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको जो भी साइज चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि फोटो का साइज क्या है, 10KB से लेके 100KB के बीच में, तो आप इसमें 99KB एंटर कर देना, जो फोटो है वो 99KB के अंदर की साइज हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो इस प्रकार आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने हैं, अगर वो 100KB से ज्यादा है तो, पर अगर वो 10 से और 100KB के बीच में तो आपको कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और लास्ट में बात करते हैं, अगर आपका PDF का साइज है ना वो 100KB से ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा smallpdf.com। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख रहे होगे लास्ट में कंप्रेस PDF। तो अगर आपको PDF का साइज कम करना है तो यहाँ से आप अपनी PDF फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। पर इसके बाद भी आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।